हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने देश के सबसे पहले बनाए जाने वाले ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में, जैसे कि कहते हैं धोलेरा। और ये दुनिया का 12वां सबसे तेजी से डेवलप होने वाला सिटी है, जो कि है धोलेरा सिटी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी, धोलेरा सर। सामने यहाँ पर अगर आप मेरे देखेंगे तो इस जगह पर पार्क है, और एक्चुअली ये पार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके वॉक करने से लेकर साइकिलिंग तक की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर शेड दिया जाएगा, और जी शेड दिया जाएगा इन पेड़ों की मदद से जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि पेड़ दोनों तरफ से होंगे और यहाँ से आप साइकिलिंग करके इसके ऊपर वॉक करके आराम से आगे की तरफ जा सकते हो। इस जगह पर देखेंगे तो आपको दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर अगर लैंड देखोगे तो ये लैंड किसी ना किसी कंपनी को बिलोंग करता है। जी हाँ, और ये वही जगह है दोस्तों जहां पर आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1.5 लाख करोड़ का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लिस्ट बहुत लंबी है इन्वेस्टमेंट की। जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है, और इसी वजह से लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी भी दो टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया, फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इन्वाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD, जी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धोलेरा। जो साइकिल का ट्रैक बनाया गया ना, ये वाला जी, वॉक करने के लिए और साइकिलिंग के लिए, इसके नीचे एक्चुअली जमीन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी आपको मिलेगा, और वाटर पाइपलाइन भी मिलेगा, गैस पाइपलाइन भी मिलेगा, आपको यहाँ पर नेट केबल भी जमीन के अंदर ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि पहले ही कह दिया था गुजरात की सरकार ने कि हम आपको इस सिटी के बनने के बाद गड्ढा करने तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि सिटी बन गया फिर पता चले कोई कंपनी आती और कहती कि हमें इसे गड्ढा करने का परमिशन दीजिए ताकि हम यहाँ पर लाइन डाल सकते हैं जमीन के अंदर। नहीं, जो भी करना है आप अभी कर लीजिए। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे बेहतरीन सिटी कहा जा रहा है अपने देश का, जी जिसे कि कहते हैं धोलेरा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन सभी से बड़ा होने वाला है साइजों में। तो अगर आप देखोगे, चाहे दिल्ली को, चाहे मुंबई को, चाहे अहमदाबाद को, हजारों सालों में ये सिटी यहां तक पहुंचा है। और सोचिए, इस जगह पर एक ऐसी सिटी जो कि पूरी तरीके से नई बनाई जा रही है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कमाल की बात यह है, और ये आप भी जानते हैं कि यहां पर बहुत नामी ग्रामीण कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है धोलेरा शहर में। जी, और इस धोलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धोलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। पोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री बसाई जाएगी उनको अगर आप अपना सामान दुनिया के किसी भी कोने भेजना है तो आसानी से भेज सके। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक नहीं दो दो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए भी आप आ सकते हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे तो बनाया ही जा रहा है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, मोनो रेल भी यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि अहमदाबाद से डायरेक्ट इस जगह तक आपको कनेक्ट करेगा धोलेरा स्मार्ट सिटी में, और वो भी 45 मिनट्स के अंदर ही।
लिस्ट बहुत लंबी है, इतना ही खत्म नहीं होता है। ये ऐसी स्मार्ट सिटी है कि यहाँ पर आपको अगर कोई बिल्डिंग दिखती है और उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान लो बिल्डिंग में आग लग गई, तो आपको ऐसा नहीं कि कॉल करना पड़ेगा कि हाँ जी फायर डिपार्टमेंट को कि भाई साहब यहाँ पर आग लग गया है, आप जरा दमकल की गाड़ियाँ और या भेजें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोला था कि तीन कंपनियां जो मेजर आईटी की हैं उनको इनवाइट किया था ताकि आप यहां का प्लान बनाइए, तो उन्होंने ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाया है कि जिससे किसी भी बिल्डिंग में अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो वो जो एबीसी बिल्डिंग आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वहां तक खबर पहुंच जाएगी और फिर वहां से जो टीम है वो रवाना हो जाएगी। तभी आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यार हमें ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े सरकारी ऑफिस का, क्योंकि इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो एबीसीडी बिल्डिंग आपको बताया था मैंने, वो बिल्डिंग है इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जैसा कि मैंने आपको कहा, और वो जो बिल्डिंग है वो एक पॉइंट है, एक जरिया है जहां से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है इस धोलेरा सिटी में, उस बिल्डिंग में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और बस आपका डॉक्यूमेंट साइन होकर आपके ऑफिस तक पहुंच जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि हर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, सब कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है जी। और ये जो आप देख रहे हो यही वो बिल्डिंग है जिसे कहते हैं ABCD, नाम भी अच्छा रखा है ना। और इसी वजह से देखोगे तो इस जगह पर धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपने देश के हर कोने कोने से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। और आप भी अपने देश के सबसे पहले ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे ये जो नंबर है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने सपनों का घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। तो ये अक्षय भाई की कंपनी है, ये आपकी पूरी मदद करेंगे धोलेरा और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो यहां पर जिस पे मैं चल रहा हूं ना इस वक्त पे, ये एक्चुअली इसके नीचे पूरी ड्रेनेज की लाइन है, वाटर पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, सब इसी के नीचे है। और ये इतना चौड़ा है कि आप इसके अंदर अपनी पूरी गाड़ी लेकर जा सकते हो जी, अंडरग्राउंड का ये जो पार्ट बनाया है। और अगर आपको लगता है कि मैं इसे मजाक कर रहा हूं तो दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये है वाटर पाइपलाइन, ये ब्लैक वाला दिख रहा है इसके अंदर, रुको रुको अभी दिखेगा, ये वाटर पाइपलाइन डला हुआ है और इसके अंदर गैस पाइपलाइन भी आपको दिखेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के केबल, फाइबर केबल आपको दिखेंगे। तो ये वाला है फाइबर केबल, इधर डाला गया है इलेक्ट्रिसिटी का केबल और इसी में वाटर पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम भी होने वाला है। और वो सब कुछ यहाँ पर वैसे ही बनाया जा रहा है जैसा इसका मास्टर प्लान में हमें दिखाया गया था या फिर कहा गया था जी। यहाँ पर लाकर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो पेपर पर लिखा है वही यहाँ पर बनाया जा रहा है, हाँ, ताकि आप जो डिसीजन लोगे इन्वेस्टमेंट करने का उसमें थोड़ी मदद मिल जाएगी, हाँ, ये देखकर कि वाकई में ऐसा ही कर रहे हैं इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में। रोड यहाँ पर देखोगे तो अच्छे खासे आपको चौड़े मिलेंगे और बहुत सारा रोड आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जब यहाँ पर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया बच जाएगा, रेसिडेंशियल बच जाएगा, तो यहाँ पर स्लो डाउन लगेगा। इसी वजह से देखेंगे तो जितना चौड़ा आपको रोड मिलेगा उतना ही चौड़ा आपको यहाँ पर वॉक करने के लिए जगह भी मिलेगी और उसके अलावा साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी मिलेगा। तो ये वाला जो है, ये वाला जो सबसे चौड़ा देख रहे हो, ये होने वाला है ड्रेनेज सिस्टम और इसी के अंदर होने वाला है वाटर पाइपलाइन का। और वो वाला जो देख रहे हो उसके अंदर होने वाला है फाइबर केबल, इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स, ये सब कुछ होने वाले हैं, वो आपको मैंने दिखाई दिया है। और जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा तो इसी के ऊपर साइकिलिंग के लिए और हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह देने वाले हैं जी। स्ट्रीट लाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से लग चुके हैं और इस जगह पर आपको रात के वक्त भी अच्छी खासी रोशनी देखने को मिलती है। तो मैं आपको बताऊं, अब देखो इतना बड़ा एक सिटी बना रहे तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो चाहिए ही, पावर चाहिए ही। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी का सहारा लिया गया है, 5000 मेगावाट का पूरा एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं जिससे कि इस पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जो सोलर पार्क बनाया जा रहा है ना, वहाँ पर आपको काम भी दिख जाएगा। इस वक्त पे टाटा इस वक्त पे काम कर रही है और ये है सोलर पार्क का नज़ारा, देखिए कितना कमाल का है। तो पूरी तरीके से एडवांस ये होने वाला है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक जी।
ऐसे ही नहीं मैंने आपसे कहा है कि ये पूरी तरीके से मॉडर्न बनाया जा रहा है। इस जगह पर देखोगे ये चौराहा है, तो यहाँ पर देखिए कितनी जगह दी है इस पॉइंट पे, और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बड़ा दिया है कि कभी भी ये जो चौराहा देख रहे हो आप इस पे पानी ना जमे, इसलिए यहाँ पर देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम वैसे आपको बहुत छोटा दिखता है, लेकिन ये देखो पूरा 6 फीट बाई 6 फीट का ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर होल दिया है ताकि पानी आसानी से जा सके। और एक नहीं है, ये 4 हैं हर कोने पे एक। यहाँ पर देखोगे तो वाटर टैंक का पूरा यहाँ पर प्लांट बनाया जा रहा है ताकि इस जगह पर वाटर सप्लाई दी जा सके। तो वाटर कनेक्शन भी आपको अंडरग्राउंड ही देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, तो इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वैसे ये बहुत ही मैसिव है, ड्रोन शॉट इसका देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है ऊपर से। इससे जैसे आगे आप बढ़ोगे ना तो राइट हैंड साइड में आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखेगा जो कि किया जा रहा है हमारी आपकी सबसे फेवरेट कंपनी के लिए, टाटा का यहाँ पर ये प्लांट होने वाला है रिन्यू पावर के लिए, और उसी का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो देख रहे हो ये जो पूरा आयरन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जी, ये है उसी के लिए, टाटा पावर के लिए। ये रहा टाटा का प्लांट जो कि लगाया जा रहा है, और यहाँ पर उसके कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिफ्ट भी दिखेगा जिसकी मदद से टीम इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। और उसके सामने अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छी बात ये है इस जगह पर कि ये जो प्लांट है ना ये इस वक्त पर ही लगा दिए गए ताकि जब ये सिटी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़े विशाल पेड़ मिले, जिसकी मदद से ना आप जब नीचे यहाँ से वॉक करके जाओगे तो आपको गर्मी के दिन में भी ऐसे गर्मी लगने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ इसका मास्टर प्लान में डिजाइन भी रखा गया, और ठीक ऐसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा भी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर ऐसा करते कि चलो सिटी बनकर तैयार हो गया उसके बाद प्लांट लगाते तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट जरूर होता, क्योंकि पेड़ को बड़े होने में वक्त लगता है। तो प्लानिंग जिस तरीके से पेपर पे की गई है वैसे ही आपको यहाँ पर ग्राउंड पे भी देखने को मिलता है जी, क्योंकि देखिए आने वाले 3-4 सालों में ये जो पेड़ हैं ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो फिर अगर आप वॉक करोगे साइकिलिंग करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, चाहे गर्मी का दिन हो या ना हो, है ना। चलिए आपको और भी आगे लिए चलता हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता तो चले कि क्या कुछ काम किया जा रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी में। जिस जगह पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखा रहा था ना उससे तकरीबन आधा घंटे ड्राइव करने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर इसका सोलर पार्क बनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो इस जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसका पूरा सेटअप किया जा रहा है ताकि यहाँ पर सौर ऊर्जा से जो लाइट है वो उसका उत्पादन किया जा सके जी, जो कि यहाँ पर टाटा पावर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो सोलर पैनल ये पूरे लगाए जा रहे हैं, और ऐसे ही हम और आप आगे 4 किलोमीटर तक ड्राइव करके जाएंगे ना तो ये हमें सोलर पावर के जो पैनल्स हैं ये जो पूरा पार्क है वो देखने को मिलेगा। तो चलो आगे चलते हैं, पूरा 4 किलोमीटर का लंबा एरिया आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ा है भाई।
वैसे ड्रोन शॉट भी देखोगे तो बहुत कमाल का है। चलो आप तो मैंने आपको इस जगह का तो कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ABCD बिल्डिंग जी, जहां से इस पूरे स्मार्ट सिटी पे कंट्रोल रखा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये वो स्ट्रक्चर है जिसका के नाम रखा गया है ABCD, और इसी जगह से कंट्रोल रखा जाएगा हर एक चीजों पे धुलेरा स्मार्ट सिटी में। और इसके ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है धुलेरा। यहाँ पर देखोगे तो ETP प्लान बनाया जा रहा है। अब ETP क्या होता है ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो गंदे पानी को साफ करने का प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। तो जो सिटी बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी, वहाँ से ड्रेनेज के जरिए जो भी गंदा पानी आएगा वो इस जगह पर आएगा, फिर यहाँ से क्लीन होने के बाद उसको वापस नदी में छोड़ा जाएगा, और उसी के लिए यहाँ पर ये सेटअप किया जा रहा है। तो ये है इसका ड्रोन शॉट, सामने आपको एक अलाइनमेंट भी दिख रहा होगा, ये है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे। इसका अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये अपडेट धुलेरा स्मार्ट सिटी का, पहली बार धुलेरा से, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बस मिलते हैं आपसे जल्दी आपसे अगले अपडेट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इन्वेस्टमेंट के लिए इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप जी। अगर आप भी चाहते हैं धुलेरा में इन्वेस्ट करना तो कर दीजिए कॉल आप जी। हाँ, और हाँ, भाई के चैनल का रेफरेंस भी दे देना, RS Live, क्या पता कोई डिस्काउंट ही मिल जाए, है ना। चलो मैं आपसे फिर मिलता हूँ जल्दी।